हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप गैस कटिंग का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। गैस कटिंग का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी आप देखेंगे। आप देख सकते हैं ऑपरेटर के हाथ में एक ब्रास का टॉर्च है और उस टॉर्च में आगे आपका नोजल लगा हुआ है जो कि जनरली कॉपर का होता है और उस नोजल से फ्लेम बाहर निकल रहा है और उसी फ्लेम से आपका गैस कटिंग परफॉर्म हो रहा है। यदि इसमें माइल्ड स्टील वगैरह जो लो कार्बन स्टील है उसको बहुत आसानी से गैस कटिंग से काटा जा सकता है। हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो गैस कटिंग में मटेरियल को पहले रेड हॉट तक हीट किया जाता है और फिर एयर के प्रेशर से काटा जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहें तो जैसे माइल्ड स्टील है या लो कार्बन स्टील होता है तो यदि आप इनको हीटअप करते हैं तो जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और मेटल ऑक्साइड फिर एयर के प्रेशर से आसानी से काटा जा सकता है। और गैस कटिंग से आप काफ़ी मोटी शीट को काट सकते हैं। 1/4 इंच से लेकर 12 इंच तक की मोटी शीट को आप गैस कटिंग से काट सकते हैं। जनरली गियर ब्लैंक होते हैं, सर्कल वगैरह होते हैं, वो गैस कटिंग से काटने से ही बनाते हैं। आप देख सकते हैं टॉर्च में दो कनेक्शन है और ये दोनों कनेक्शंस बेसिकली एक ये आप देख सकते हैं नोब है, इससे आप LPG की सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैरून कलर का हॉज पाइप है और ये जो ब्लू कलर का है इससे आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कम ज़्यादा करते हैं। ये हॉज पाइप है, ये लॉकिंग क्लिप्स लगी होती हैं जो कि आपका हॉज पाइप को कनेक्ट करते हैं टॉर्च से और ये हॉज पाइप बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं गैस के सिलेंडर से, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग में डिफरेंस ये होता है, गैस वेल्डिंग में ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, उसमें मटेरियल को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने का जोड़ते हैं, जबकि इसमें मटेरियल को पिघलाते नहीं है, गर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है और मेटल ऑक्साइड को फिर एयर के प्रेशर से अलग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर जैसे ही ट्रिगर दबाता है, इसमें ट्रिगर होता है, वैसे ही आपका गैस कटिंग स्टार्ट हो जाता है। ये माइल्ड स्टील का वर्कपीस है जिसके ऊपर आप गैस कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं और ये हॉज पाइप आप देखिए, ये आपके हॉज पाइप्स हैं और ये हॉज पाइप आपका गैस कैरी कर रहा है, एक ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और एक LPG यूज़ कर रहा है। गैस कटिंग के लिए LPG ही प्रीफर किया जाता है और गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन प्रीफर किया जाता है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देख रहे हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर दो प्रेशर गेज लगे हुए हैं। एक प्रेशर गेज बेसिकली ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर का प्रेशर शो कर रहा है जो कि करीब 2000 PSI होता है जब नया सिलेंडर भरा जाता है। PSI प्रेशर की यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। और दूसरा जो प्रेशर गेज है वो बेसिकली लाइन के प्रेशर को शो कर रहा है और गैस कटिंग जब आप परफॉर्म करते हैं तो लाइन का प्रेशर है वो 10 PSI से 40 PSI तक वेरी करता है। तो पहले जो गेज होता है उससे ये भी पता चलता है कि आपका जो ऑक्सीजन का गैस का सिलेंडर है उसमें कितना गैस है। ये आप पूरा रेगुलेटर देखते हैं और ये रेगुलेटर आपका सिलेंडर के ऊपर फिट किया जाता है। इसमें बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं और सिलेंडर में इंटरनल थ्रेड होते हैं। इसमें आप ये भी देखिए, इसमें ये लिखा रहता है कि पहला प्रेशर गेज मैक्सिमम कितना प्रेशर के लिए और दूसरा कितने के लिए। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो 100 bar है और दूसरा जो वर्किंग प्रेशर है उसमें मैक्सिमम प्रेशर 10 bar हो सकता है। इसमें हीट Q1 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली गैस फ्लो रेट होता है। ये आप सिलेंडर देख सकते हैं, नॉर्मली जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का ये ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है और आप मैक्सिमम प्रेशर देख सकते हैं 2000 PSI है। अब मैं आपको ये जो दूसरा सिलेंडर देख रहे हैं इसका साइज़ थोड़ा कम है, ये आपका LPG का सिलेंडर है, इसके ऊपर भी दो आपका प्रेशर गेज फिट किए गए हैं। एक प्रेशर गेज सिलेंडर के अंदर का प्रेशर शो कर रहा है और दूसरा प्रेशर गेज आपका लाइन का प्रेशर को शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो प्रेशर है जब इसको फिल किया जाता है तो इसमें करीब 350 से 400 PSI प्रेशर होता है LPG सिलेंडर का। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये आपका है वर्किंग प्रेशर, ठीक है, जो कि 5 से 7 PSI तक वेरी करता है। और ये आपका रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पर सारा लिखा रहता है, जैसे P1 कितना मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है, P2 कितना है, तो ये लिखा हुआ है। और Q1 लिखा हुआ है बेसिकली आपका गैस फ्लो रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।